जहां मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब साबिका हुकूमत पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आयद करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरीम शाह का एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसमें वो खुद एतराफ करती नजर आ रही हैं कि वो लाखों पाउंड्स लेकर बरतानिया आ गई हैं और पाकिस्तानी कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का कानून सिर्फ गरीब को पकड़ता है, मुझे ना किसी ने रोका और ना कोई रोक सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक्त नहीं है, जिससे ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की, आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होते हैं कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस तरफ जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ, यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई अल्लाह ताला सबको जन्नत में आने का मौका दिया। तो हाँ कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है और कह भी नहीं सकते, मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं, तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।